थालापति विजय की लेटेस्ट मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है, जिसका ऑफिशियल टाइटल रखा है गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। पहली बार जब मैंने सुना था तो मुझे खुद को क्वेश्चन आया था कि ऐसा कैसा नाम रख दिया, लेकिन इसके नाम में ही पिक्चर के एक्चुअल क्वालिटीज को लेके काफी बड़ा हिंट है कि मूवी कैसी बनाई है। कैसी बनाई है फटाक से बताने की कोशिश करेंगे। एक बात ध्यान रखना कि मूवी सबके लिए नहीं है, और अगर तुम इसको देखने के लिए थोड़ा बहुत भी एक्साइटेड थे, अपने पास के टिकट चेक कर रहे हो, तो एक शॉक लग सकता है। पीवीआर आईनॉक्स सिनेपोलिस कहीं रिलीज नहीं हुई। इस तमिल मूवी के हिंदी वर्जन वाले कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ लफड़ा हो गया, तो देर लाइक नहीं रिलीज करेंगे, इसीलिए अगर देखनी है तो दूसरे मल्टीप्लेक्स या फिर सिंगल स्क्रीन में जाओ। पिक्चर की कहानी का मेन कैरेक्टर नाम है उसका गांधी। यस, गांधी प्लेड बाय एक्टर विजय, जिनको प्यार से लोग थालापति विजय बुलाते हैं, तो इसलिए मैं भी पूरी वीडियो के अंदर वही बुलाऊंगा अपना प्यार दिखाने के लिए, और तुम गाली मत देना। ओके, डील डन। वो अपने बीवी बच्चों से छुपाकर एंटी आतंकवाद स्क्वाड में काम करते हैं। मैंने यहाँ पे टी वर्ड नहीं यूज किया इंग्लिश वाला, क्योंकि यूट्यूब ऐसा स्नाइपर लेकर बैठा है दूर से, यू नेवर नो कब किसके लिए मार दे। मारने का काम तो मिस्टर गांधी करते हैं, देश के अंदर और इंटरनेशनल लोकेशंस पे जाके बीवी से सब झूठ बोला है। लेकिन उनकी जिंदगी में बड़ा ट्विस्ट आता है जब वो इस झूठ को और आगे कैरी नहीं कर सकते, तो बीवी बेटे को लेके जाते हैं थाईलैंड मसाज, और वहां हो जाता है बहुत बड़ा वाला कांड। 16 साल का टाइम जंप देखते हैं हम लोग, जिसमें मिस्टर गांधी बूढ़े हो चुके हैं, बेटा बड़ा हो चुका है जो कि दिखने में बिल्कुल उनकी तरह है, और उनकी इस एंटी आतंकवादी टीम के अंदर जो बाकी 4 मेंबर थे इंक्लूडिंग प्रभु देवा, बस उन्हीं अकेले का नाम पता है मुझे, एक एक करके कोई मिस्टीरियस बंदा मारे जा रहा है। कौन है वो, क्या चाहिए उसको, ये फिगर आउट करने में मूवी निकल जाती है, और इसका क्लाइमैक्स हम लोग क्रिकेट स्टेडियम में देखते हैं। कहानी का ओवरव्यू तो मैंने तुमको दे दिया, लेकिन उसकी क्वालिटी की बात करो तो ऐसा कुछ भी नया, डिफरेंट या इनोवेटिव देखने नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी सेफ स्क्रिप्ट, जिसके एलिमेंट्स तुमने और बाकी सारी मूवीज के अंदर बहुत बार देख चुके हैं। हाँ, अगर पिक्चर देखते हो थोड़ा बहुत दिमाग तुम लगा रहे हो, तो जो ट्विस्ट बड़े बड़े ये लोग फेंकने वाले हैं उसको ऐसा पकड़ लोगे। लेकिन ऑनेस्टली पूरी पिक्चर खत्म होने के बाद जब मैंने इसके बारे में सोचा, तो एकदम क्लियर एज डे नाइट है कि मूवी का वैसा कोई इंटेंशन ही नहीं था। जिस तरीके से इसका नाम रखा है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और एक्टर्स के टाइटल कार्ड आते हैं, हीरो की एंट्री, कैरेक्टर्स की तरफ से बोले हुए डायलॉग, या फिर जो मैंने क्लाइमैक्स में क्रिकेट स्टेडियम वाली बात बोली, वो पूरा का पूरा चीज एक ही रीजन से मूवी के अंदर रखा गया, इसके एक्टर और स्टार्स को सेलिब्रेट करना। थाला और थालापति का तो समझ में भी आता है, बाकी के जो कैरेक्टर है उनको भी छोटा मोटा ऐसे इंट्रो सीक्वेंस, इंटरवल सीक्वेंस, और वहाँ पे लिख के आना सब कुछ। ये मूवी कैसी जाने वाली है उसका अंदाजा पहले 5 मिनट में ही लग गया था। प्रभु देवा का कैरेक्टर आता है और जो एनिमेटेड एक्शन कर रहा है सब फेंकते हुए, I'm like, okay, मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस रख लिए, और मूवी उन्हीं एक्सपेक्टेशंस पे चलती है। कुछ इमोशनल सीन जरूर काम किए, और पिक्चर के मेन एक्टर थालापति विजय का जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है, इट इज अ वेरी बिग प्लस। सिर्फ एक्शन या डायलॉग डिलीवरी के अंदर नहीं, बल्कि जहाँ पे थोड़े बहुत कॉमेडी सीन्स है, उनका कैरेक्टर जो ऐसे रिएक्शन देता है आसपास की चीजों को लेके, इट्स रियली गुड, लाइक रियली रियली गुड। तो यहाँ पर वीडियो का 25% कंक्लूजन पहले ही बता देता हूँ कि अगर तुम उनके बहुत बड़े वाले फैन हो, जाके देख लो, बस एक्सपेक्टेशंस कम रखना, क्योंकि अपने आप में तो ये एक एक्शन थ्रिलर है, जिसके अंदर का एक्शन ओवरऑल डिसेंट ही बोलूंगा मैं। जब मारा मारी की बात आती है, हिट्स वगैरह लगना वहां पे चौपी है, फटाफट निकाल दिया, कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जो इम्पैक्ट वाले शॉट्स हैं कि बाद में जाके गिरना, या फिर पिक्चर का मेन हीरो किसी के कंधे पे बैठ चुका है ऐसे गोली मार रहा है, उतने तुमको नोटिस हो जाए और देख के इंप्रेस हो जाओ कि भाई क्या दिखा दिया। इट इज डेफिनेटली बेटर देन सम एक्शन मूवीज, KGF में तुम्हारी बात कर रहा हूँ, लेकिन नॉट दी बेस्ट। थ्रिलर के मामले में भी ये उसी लेवल पे आती है, थोड़े सीन से जहाँ तुम ऐसे आगे जाके बैठ जाओगे कि अब क्या होने वाला है, लेकिन वो थोड़े ही हैं। बाकी बचे हुए बहुत ज्यादा खराब नहीं बोलूंगा, इट जस्ट goes on, चल रहा है। थिएटर से आते वक्त रास्ते में जब इसके बारे में सोच रहा था, तो मुझे क्लिक हुआ कि यही सेम चीज इसके ऑलमोस्ट सारे के सारे एस्पेक्ट्स में फिट बैठती है। जैसे कि इसके गाने हिंदी डब में देखा है मैंने, और तुमको तो पता है कि यूजुअली क्वालिटी कितनी खराब होती है, उतनी खराब से थोड़ी अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, जितनी फ्रीक्वेंसी में डाले हैं, और कभी कभी तो एकदम बीच में से आ जाते हैं, तो तुम्हारा मन कर जाएगा भाई थोड़ा फोन उठा के देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है। लेकिन जो खराब मूवीज की क्वालिटी होती है कि तुम केयर करना बंद कर देते हो, उस लेवल तक नहीं गिरती है ये, क्योंकि भले ही गाना अच्छा नहीं है, लेकिन वहां पे जो डांस चल रहा है, मिस्टर विजय के जो मूव्स हैं, सो स्मूथ एंड इट लुक्स सो एफर्टलेस कि देखने का मन करेगा। फोन को थोड़ी देर भी साइड में रखते हैं, मैं जितनी बार भी देखूं मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि हाउ इज दिस गाय 50 इयर्स ओल्ड। लेकिन इसी चीज को लेकर अगला पॉइंट आ जाता है कि अपने को तीन एजेस दिखते हैं उनके, 21 साल का लौंडा, एक 25-30 के आसपास, 40-45। तुमने अगर इसका ट्रेलर देखा तो क्वेश्चन जरूर आया होगा कि यंग वाले का थोड़ा मेकअप, थोड़ा लुक नकली क्यों लग रहा है। और जो अब तक मैं इसके सारे कैटेगरीज की बात करता रहा, वो चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि इट्स नॉट बैड, लाइक बहुत ज्यादा खराब नहीं है, उससे थोड़ा ऊपर बोलोगे। डेफिनेटली अनकैनी वैली में जाता है, और देखकर लगेगा कि इट्स नॉट परफेक्ट, लेकिन काम चलाओ जितना है और काम चल जाता है। मूवी का VFX, स्पेशली बम ब्लास्ट, ट्रेन उड़ाना, बैड, स्ट्रेट अप
बैड। मैंने उनकी बहुत ज्यादा मूवीज नहीं देखी है, जितनी थोड़ी बहुत हिंदी डब्ड टीवी पे लग गई। लेकिन लास्ट ईयर लियो जो आने वाली थी उसके कारण बहुत ज्यादा एक्साइटेड और उसको देखने के बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड कि आगे क्या करेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन से ये मूवी ओवरऑल नीचे तो जरूर है और इसको मैं दूसरी बार देखने नहीं जाऊंगा, बट इट्स नॉट बैड बैड, फेयरली डिसेंट, जिसके अंदर कुछ भी एक ऐसी चीज नहीं जिसको पॉइंट करके बोलो कि भाई ये जबरदस्त किया। नहीं सॉरी, एक चीज इसने अच्छा जरूर किया, वो जो हीरो को सेलिब्रेट करने वाली बात, थोड़े ऐसे मोमेंट जिसमें तुम सुपरस्टार को स्क्रीन पे देखकर तालियां बजाओ, बहुत थोड़े से। और थालापति विजय ही इस पूरी मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट है। तो इसीलिए अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि थिएटर में मूवी देखने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तो कुछ इंटरेस्टिंग अलग देखने मिले, इसमें नहीं है। लेकिन अगर तुमको मास एक्शन वाले फील्ड में कुछ देखना है, वैसे भी थिएटर्स में ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं, और स्टोरी को लेके बहुत ज्यादा नहीं सोचते हो, देन यू कैन वॉच इट। कुछ गानों को छोड़ के इसने एटलीस्ट बोर तो नहीं होने दिया, 3 घंटे के रन टाइम में इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन गिव इट, बस। और ये पता नहीं क्या नया चस्का लग चुका है मेकर्स को कि पिक्चर खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी एंड में कुछ ऐसा ट्विस्ट या फिर कैमियो या कुछ तो डाल देंगे जिससे लोगों को लगे कि भाई क्या क्या है ये, क्या करने वाले हैं वो है? एक वो उम्मीद वाला लॉलीपॉप देना कि अभी इसे और बड़ा आने वाला है, ये तो वो शुरुआत था। धोनी का बहुत बड़ा फैन तो मैं भी हूं, लेकिन क्लाइमैक्स में जितना कर दिया इन्होंने थोड़ा ज्यादा हो गया। मूवी की कहानी और एक्चुअल फाइट से ध्यान हटके वो वही जा रहा है कि भाई धोनी धोनी धोनी। थाल अगले चैनल को सब्सक्राइब करो।